दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 19 पर, जो कि हमारे सामने सीधे दिल्ली से होते हुए पाकिस्तान काबुल के रास्ते अफगानिस्तान तक जाती है भाई। और पीछे पूर्वोत्तर राज्य पूरा क्रॉस करते हुए एकदम आखिरी छोर तक भारत देश को, और कुछ दिन बाद एशिया के और भी देशों से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको एशिया हाईवे नंबर 1 का दर्जा भी दिया गया है। काफ़ी लंबी रोड होने की वजह से, और ये अभी यहाँ कोई मंदिर पीछे गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी खूबसूरत मंदिर था। चलो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं ये राजा तला के एरिया में, और यहाँ जो टोल रोड आरंभ हो जाता है। फिलहाल बाइक के लिए तो कोई टोल नहीं है, लेकिन है कोई टोल लगते हैं इस पहिए के लिए भी। और यहाँ से प्रयागराज 110, कानपुर 318, दिल्ली 786, क्या नंबर है, मानना पड़ेगा भाई। तो फिलहाल अभी ये राजा क्लब का फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है सामने हमारे, और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि भाई इसमें मैं बिल्कुल भी कट करने वाला नहीं हूँ। जहाँ तक वीडियो बनेगी, लंबी बनेगी, मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा। रोड एकदम खाली है, एकदम पूरी, और बाइक आज अच्छे से चलने वाली है सोचते हैं। बस किसी तरीके से मौसम तो भगवान बनाए रखते हैं। इधर पीछे भी कम रोड कम खाली है, और आगे तो भाई कुछ होना यहाँ दिख रहा है। बस उन्हीं लोगों से डर होता है, सामने देख रहा है ना किस तरीके से आते आते पता नहीं कब बीच में आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है ऐसे ड्राइवरों का, हैवी ड्राइवर है। और यहाँ से हमें रिंग रोड सामने दिखने लगा, इसका फेज टू का काम यहाँ पे चल रहा है, जल्दी पूरा भी होने की उम्मीद है। और ये रोड बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और साथ ही कोई भी यहाँ है बाबतपुर या वारा गाजीपुर आजमगढ़ पलिया जा सकेगा, और शहर में ट्रैफिक की छुट्टी होने वाली है। बस यहाँ पर गाड़ी हमारी कोई कुछ धीमी होने वाली है, क्योंकि काम लगी होने की वजह से ट्रैफिक यहाँ पे रोका जाता है। देखते हैं किस साइड से हमें यहाँ हमें तो निकलने की बड़ी अच्छी खासी जगह मिल गई है। अब ये रहा परिवार जो यहाँ से शुरू होता है और खरहुआ तक जाता है, और हरहुआ से लेकर आगे जो रिंग रोड है वहाँ की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने एक महीने पहले ही बनाकर उसको अपलोड कर दिया है, देखिएगा। रोड काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पूर्वांचल में ऐसी ज़्यादा कभी नहीं बनी थी भाई। Thank you.
कंपटीशन लगा रखा लग रहा है यहाँ पे की दौड़ की। अब देखते हैं उसको, तो अभी मैं वो टिक नहीं करने का, जो हैवी गाड़ी और ऊँची है इन गाड़ियों को वो टिक नहीं करना चाहिए। कंटेनर वाली गाड़ियाँ हैं ये तो यार मिलिट्री कलर की जेसीबी है भाई, जैसे जेसीबी की खुदाई काफी हुई थी पहले वायरल वीडियो, ये तो यार मिलिट्री कलर में पीली वाली जेसीबी नहीं है। ये भी कहीं जा रहा है, यहाँ क्या लगा रखा है भाई, पूरा रोड पे काम है। ओके 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 ये अच्छा हुआ, जब सड़कें खराब होते ही हाईवे पर फिर से काम लग जाए। खराब हो गई थी फिर से बना रहा है। पेड़ों की कटाई भी चालू है, पेड़ों की नहीं पौधों की छटाई चालू है, कटाई नहीं। तो बीच में जो लाल लाल वाले फूल वाले पर पेड़ होते ही हाईवे पे लगा दिए गए हैं, अभी अच्छे लगते हैं। और ये झड़ते हैं भाई, एक तरीके दूर से गुलाब की तरह दिखते हैं, इसमें भी कांटे होते हैं गुलाब की तरह। अरे सामने ये फ्लाई ओवर जो आने वाला ही है, नर्मदा मरा फ्लाई ओवर जो कि काशी स्टेट टेक्नोलॉजी के पास ही बना हुआ है। और अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र में जो पहला दौरा किया था यहीं पर किया था, चुनाव से पहले यहीं पर उन्होंने रैली की थी। तो ये हमारे बाएं साइड नीचे खेतों में पूरे यहाँ पर पूरा पंडाल लगा हुआ था भाई। इधर बारिश इतनी सड़क गिली है, कुछ दिन पहले सड़क के इधर काम लगा हुआ था, ये जो निकली यहाँ पर आधी सड़क इधर फिर से बना दी गई। तो नई सड़क है तो भाई थोड़ी बहुत अभी इसमें पैचिंग आनी ही है, उसको सही करना ही करना पड़ेगा। तो नेशनल हाईवे है सबके रीजन ये भाई, भाई तो जल्दी से राइट हो जाओ, मुझे लेफ्ट से निकलने रहे। तो ये तुम बॉस है भाई, बॉस और बॉस ही जान बेच समझ गए। ये क्या भाई पीछे, पर बारिश हो रही है कि नहीं? नहीं, 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 नहीं बारिश नहीं हो रही है। नजारे बहुत अच्छे हो रखे हैं क्या भाई, आसमान में बादल, अरे दूर दूर तक आइए एकदम से।
तो यार पीछे भाई बैठा हुआ है, उसको नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, कहीं पानी दिख जाए तो रोक कर उसका मैं मुंह धुलवा दूं। देखता हूँ कहीं आगे रोक दे। सब सही तो है, ढाबा तो और अच्छा है। पानी पी लोगे, थोड़ा सा बोतल में डाल लेना, तो बोतल तुम्हें दे दें हम। तलवा है ना, इसमें थोड़ा सा डाल लेना, हम वो पी लेंगे। ले भाई थोड़ा सा पानी पी ले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।